केयर गवर्नमेंट से, हर कॉरपोरेशन से लाइबिलिटी मांगी है कि किस किस की कितनी लाइबिलिटी है। उस मसले पर हम कश्मीर में गए थे 15 तारीख को, यहाँ से 5 आदमी गए और 16 तारीख को हमें ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी से बात की, सबसे मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो आपकी डिमांड है जेन्युइन है, हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया उसमें लाइबिलिटी में हमने रख दिया। तो हमें भी पूरा यकीन है कि जिस माहौल में हमारी उनसे के साथ बात हुई है, हर साल में हम इन लोगों से मिलते रहे तो हमें आश्वासन मिलता रहा, लेकिन काम नहीं हुआ। माय नेम इज देवराज बाली। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि 14 सितंबर को यहाँ हमने मीटिंग की थी, उस मीटिंग में ये फैसला लिया था कि हम श्रीनगर में जाएंगे और 15 तारीख संडे को हम 5 आदमी श्रीनगर चले गए, 16 तारीख को हमने ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी से बात की, हमसे हम उनसे मिले, हमने अपना डिमांड चार्ज दिया जो पेंटिंग लाइबिलिटी के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट से अपना पैसा लाइबिलिटी मांगी हुई है कि किस किस की कितनी लाइबिलिटी है, उसी के हिसाब से हमने भी अपनी लाइबिलिटी दिखाई। हमारा जो पेंटिंग लाइबिलिटी चल रही थी जिसमें 16,76,59,497 रुपये थे इंक्लूडिंग बोनस एंड 6 वे कमीशन एरियर, तो जिस माहौल में हमारी मैनेजमेंट से बात हुई और हमें लगता है कि हमारा जो पैसा है वो बजट जो आ रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है 25-26 को होने जा रही है उसमें रखेंगे। अगर भाई इस दफ़ा भी हमारा पैसा उन्होंने बोर्ड मीटिंग में नहीं रखा तो हम जिस दिन जम्मू में सेक्रेटेरिएट खुलेगा उसी दिन हम इस प्रेस क्लब से रैली की शक्ल में सेक्रेटेरिएट ग्रो सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करेंगे और सेक्रेटेरिएट ग्रो करेंगे, क्योंकि आगे भी हमें आश्वासन मिलते रहे ऐसे ही लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वासन अब दिया है श्रीनगर में, हमें लगता है कि हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हमारा जो जिस दिन सेक्रेटेरिएट खुलेगा उस दिन सेक्रेटेरिएट ग्रो होगा।